हे गाइस, आज हम 5 मिनट कुकिंग विद निशा में बना रहे हैं बैंगन का भरता। तो आइए देख लेते हैं बैंगन के भरते में क्या क्या पड़ता है। ये है बैंगन, इसको मैंने उबाल लिया है और उबाल के मैंने इसको छील कर और मैश करके रख लिया है। और ये कुछ मसाले हैं, ये नमक है, ये गरम मसाला है, और ये चिली पाउडर है, और ये प्याज है, और ये थोड़ा सा जीरा, ये साथ में ही डालूंगी मैं ये दोनों चीज़ें। और ये जो है ये धनिया है और कटी हुई मिर्ची है, और ये अदरक लहसुन है, ये मैंने चॉप किया है, पीसा नहीं है। और ये जो है टोमेटो है, सबको मैंने फाइन चॉप कर लिया है। तो आइए ये कैसे बनाते हैं बैंगन का भरता 5 मिनट में, तो मैं आपको बताती हूँ। तो ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें मैंने 50 ग्राम लगभग तेल डाल दिया है। अब इसको साथ ही में दोनों चीज़ें हम डाल देंगे। गाइस, बैंगन का भरता हर घर में बनाते हैं, किसी कोई अलग अलग अपना अपना स्टाइल होता है। कोई सारी चीज़ें बैंगन में ऐसे मिक्स कर देता है, और कोई मतलब अपना अपना सबका स्टाइल है। मेरा ये स्टाइल है, इस स्टाइल से बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी बनता है और बहुत ही क्विक बनता है। तो मैंने ये प्याज जो है डाल दिए हैं, और प्याज और जीरा, और मैंने एकदम इसको पतला पतला काटा था। ये देखिए, ये सॉफ्ट करेंगे बस इसको, ना लाल करेंगे और ना इसको ब्राउन करेंगे, बस इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। तो अब क्या डालेंगे इसमें, अब मैं डाल दूंगी इसमें टोमेटो, और इसको भी थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। गाइस, फ्लेम जो है हम अपना अच्छा रखेंगे, मतलब मीडियम या लो नहीं रखेंगे, हाई रखेंगे, क्योंकि फटाफट से हमको बनाना है। और हमारे यहाँ तो ये जब भी बैंगन का भरता बनता है तो हम बेसन की रोटी बनाते हैं। अगर आपको बेसन की रोटी बनानी नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं बेसन की रोटी आपको बता दूंगी कि कैसे बनती है। बेसन की रोटी के साथ ये बहुत बहुत ही मज़े का लगता है। तो ये मैंने बस टमाटर थोड़े से सॉफ्ट होने चाहिए। अब इसके बाद क्या डालेंगे, इसके बाद जिंजर गार्लिक जो है मैंने चॉप किया हुआ रखा है, ये डाल देंगे। इसको भी अच्छे से थोड़ा सा ही मिला लेंगे आपस में। और अब डालेंगे इसमें, ये देखिए अच्छे से सारी चीज़ें सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम इसमें डालेंगे चिली, और ये जो मैंने स्पाइसेस रखे थे वो सारे डाल देंगे। ज़्यादा स्पाइसेस नहीं पड़ते, वेजिटेबल ही ज़्यादा पड़ती हैं कटी हुई, तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए गाइस, कितना अच्छा कलर लग रहा है इसका। और जब बन जाता है ये तो इसका जवाब नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैं एक ही शॉट में आपको बता रही हूँ। ये देखिए सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें अपना ये बैंगन रखा हुआ है, ये बैंगन डाल देंगे। ये पूरा 5 मिनट भी नहीं लगता इसको पकने में। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। देख रहे हैं आप इतना ये कलर अच्छा लग रहा है, और इसकी स्मेल तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। बनाइएगा फिर मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा आपको। तो ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, और हम अब इसको 1-1.5 मिनट के लिए सिम आंच पर ऐसे ही छोड़ देंगे।
ढक्कन करेंगे बंद और 1-1.5 मिनट के लिए इसको हम बंद कर देंगे। तो गाइस 1-1.5 मिनट बाद ये मैं खोल के देख लूंगी कि ये कैसा है। ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर भी आ गया है और ये बहुत अच्छे से भुन भी गया है। और अब इसमें कुछ भी नहीं करना, इसमें डालना है सिर्फ हरा धनिया। ये देखिए बहुत सारा हरा धनिया, थोड़ा सा नहीं बहुत सारा। जितना ज़्यादा इसमें हरा धनिया होता है उतना ही बहुत मज़ा आता है। तो ये हो गया हरा धनिया और अब इसको 1/2 मिनट के लिए कर देंगे बंद और 1/2 मिनट बाद मैं खोलती हूँ इसको ताकि धनिया हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए अच्छे से। तो ये हो गया बंद और 1/2 मिनट तक मैं इसको समझो दम पे लगा रही हूँ और इसको गैस को कर दूंगी बंद। 1/2 मिनट बाद खोल के मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसा लगता है। तो 1/2 मिनट हो गया है और अब मैं आपको ये खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर लग रहा है और ये धनिया एकदम सॉफ्ट हो गया है। अब मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके बता देती हूँ। बहुत टेस्टी बना है, आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 5 मिनट में तैयार है बैंगन का बहुत ही टेस्टी भरता। तो गाइस तैयार है ये बैंगन का भरता, ये देखिए तैयार है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और वीडियो को प्लीज़ पूरी देखें। सो गाइज ये थी हमारी बैंगन की भरती की रेसिपी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।